राजद के विधायक भाई वीरेंद्र एवं दरभंगा नगर भाजपा के विधायक संजय सरावगी किसी बात को लेकर आपस में ही विधानसभा परिसर में ही आपस में उलझ गए। उलझे आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बात को लेकर दोनों विधायक आपस में उलझ पड़े। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में भाजपा के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण झुनझुनवाला के द्वारा नेतृत्व में राजद विधायक का पुतला दहन किया गया। दरभंगा में लोगों ने सरकार से मांग किया है कि राजद के जो विधायक है जिन्होंने दरभंगा के नगर विधायक, इन लोगों ने कहा है कि राजद के विधायक के द्वारा जो नगर विधायक हैं उनके साथ जो अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें सत्र से निलंबित किया जाए। इसी को लेकर इन लोगों ने दरभंगा में राजद विधायक का पुतला दहन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक संजय सरावगी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने अपनी बात कही। वहीं दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र जो राजद की विधायक है उन्होंने भी मीडिया को सारी जानकारी दी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। किसका पुतला दहन किया है, क्या मामला है? राजद विधायक वीरेंद्र जी का पुतला जलाया गया है दरभंगा नगर भाजपा के द्वारा विधानसभा परिसर के बाहर, विधान मंडल के बाहर। आज राजद विधायक वीरेंद्र ने हम लोग के नगर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, लगातार 5 बार से जनता के सेवा में लगे हुए, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया गया, जिसके खिलाफ आज दरभंगा नगर भाजपा ने राजद विधायक का पुतला जलाया है। और विधानसभा अध्यक्ष से हम लोग मांग करते हैं ऐसे विधायक को तत्काल निलंबित किया जाए। जो जिनको बोलने का सलीका नहीं आता है, जो अपने संस्कार को आज बता दिए कि राजद परिवार में लोग संस्कार ही होते हैं, उन्होंने आज अपना परिचय दिया। क्या जिसको ऐसा संस्कार रहा, जो भी राजद के लोग हैं, बिकॉज संस्कार ही ऐसा है, तो संस्कार ऐसा है तो ऐसा परिलक्षित उन लोग का हो जाता है। इन लोगों ने जैसे 15 सालों में बिहार को लूटा है, जब इनकी सत्ता थी, अपहरण उद्योग चल रहा था, कितने लोग बिहार को छोड़ के चले गए। अब इन लोगों को वैसा मौका नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। इन लोगों ने जो संस्कार दिया है, चाहे इनके दल ने संस्कार दिया है, जैसा जैसा इन लोगों ने संस्कार पाया है, वही संस्कार इन लोग को परिलक्षित होता है। व्यक्तिगत रूप से आना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, इन लोगों को संस्कार ही ऐसा दिया। जैसा कोई भी बात नहीं, हम लोग तो नीति पर बात करते हैं, जनता की समस्याओं पर बात करते हैं। जो लेकिन जो संस्कार इन लोगों का है, जैसा संस्कार दिया है वैसा ही तो संस्कार होगा, वैसे ही भाषा का इस्तेमाल। विधानसभा में आपस में गाली गलौज मिलावट करते हैं आप, आपको कहा गया है। जिन लोगों ने राज्य को लूटा, अपहरण उद्योग जिन लोगों ने चलाया, जिन लोगों ने बिहार की को गर्त में मिला दिया, वो लोग ऐसी ही बातें कर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पब्लिक फिगर हैं, यहाँ पर इस तरह के सदन परिसर में इस तरह की घटना को होना, क्या लगता है कितना आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना? एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। बिहार की जनता देख रही है इन लोगों ने जैसा जो है ये लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की जनता इसका न्याय करेगी कि कैसे शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं। भगवान ने जैसा संस्कार दिया वैसा ही वही संस्कार का दिया। और वो आदमी हमको कहे कि आप संस्कारी नहीं है, तुम काम करता हो, हम ऐसे संस्कार के नहीं है। जो लोग करता है वो जाने, और हम इस तरह के लोग नहीं। लेकिन ये दुखद घटना है, विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो एज है और उनका जो एज, उसके अनुसार अगर तुम कोई हमको बोलता है और संस्कार पर आरोप लगाता हो कि संस्कारी लोग नहीं है, आप सभी जानते हैं कि हम कैसे संस्कार के लोग, और हम कभी भी किसी को तुमताम नहीं करते। हमसे जो छोटे माननीय विधायक होते हैं, मैं उनको माननीय विधायक ही कहता हूँ, और हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और ये लोग गलत लोग हैं और सरकार में शामिल हैं, और बिजनेस उनका जो है हम जानते हैं, और सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस वो करते हैं। इस मुद्दे को क्या सदन के अंदर, सदन के क्या मामला, ये सदन का नहीं, ये बाहर का मामला था। और उनको जो उन्होंने बोला, हमने भी तरीके से जवाब दिया।